दोस्तों आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं यहाँ पर कई ऐसी बाहरी ताकतें काम करती हैं जो नहीं चाहती कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ भारत के रिलेशन बहुत अच्छे रहें। इसीलिए बीते एक साल में भारत के पड़ोसी देशों ने 10 ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जो कि भारत को बड़े नुकसान करा सकते हैं। तो आज का ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, आपको भी पता चल जाना चाहिए कि आखिर भारत के पड़ोस में चल क्या रहा है, और वीडियो खत्म होने तक आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि आखिर वो कौन सी बाहरी ताकतें हैं जो कि इन देशों में काम कर रही हैं। सबसे पहले श्रीलंका की बात की जाए तो श्रीलंका के नवे प्रेसिडेंट जिनका नाम था रनिल विक्रमसिंघे, वो भारत के प्रति काफी सॉफ्ट रवैया रखते थे। इसीलिए भारत और श्रीलंका के बीच पिछले एक साल में कई इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स किए गए, कई इंपॉर्टेंट पोर्ट्स और कई फैक्ट्रीज भारत ने श्रीलंका में चालू की हैं। इसके अलावा भारत की तरफ से श्रीलंका में एक ऐसी फैक्ट्री ओपन की गई है जहां पर हम श्रीलंका के लिए हथियार तैयार करेंगे। लेकिन कुछ दिनों पहले ही श्रीलंका के अंदर प्रेसिडेंट बदल चुके हैं जिनका नाम है अनुरा कमारा, और ये भारत के प्रति सॉफ्ट रवैया नहीं रखते। इसीलिए जैसे ही ये पावर में आते हैं वैसे ही भारत पर सवाल खड़े करना शुरू कर देते हैं कि भारत की तरफ से अडानी ग्रुप जो विंड पावर प्लांट इनके देश में सेटअप करने वाली थी, इन पर कई सारे सवाल किए जाते हैं। इनके प्रोजेक्ट को फिर से रिव्यू किया जाता है, इनके सारे डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस चेक किया जाता है, बहुत सारे प्रोसेस को अभी पेंडिंग में छोड़ा जा चुका है। ये बात तो यहाँ तक सही थी, लेकिन कुछ समय बाद ये फैसला लिया जाता है कि अब चाइना के स्पाई शिप श्रीलंका पहुंचने वाले हैं। यदि आपको याद हो तो भारत और श्रीलंका के बीच में एक साल पहले ये समझौता हुआ था कि चाइना से कोई भी स्पाई शिप श्रीलंका के कोस्टल एरिया में नहीं आएगा, क्योंकि वो श्रीलंका के लिए रिसर्च करने आते हैं, लेकिन श्रीलंका के रिसर्च के नाम पर वो भारत पर निगरानी रखते थे। आप जानते हैं कि साउथ इंडिया में भारत के इंपॉर्टेंट लोकेशंस लाइक DRDO, इसरो और इंपॉर्टेंट PSUs, डिफेंस PSUs सबके हेडक्वार्टर्स हैं, और चाइना श्रीलंका में बैठ करके ये सारी निगरानी भारत पर रखना चाहता था। इसीलिए भारत ने पुरानी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि चाइना को किसी भी तरीके की एंट्री ना दी जाए, और वो गवर्नमेंट मान गई। लेकिन श्रीलंका में अभी जो नई गवर्नमेंट आई है ये इस बात को पूरी तरीके से इग्नोर कर रहे हैं, और ये चाइना के प्रति काफी ज्यादा सॉफ्ट देखे जा रहे हैं, और इसीलिए इन्होंने अलाउ करना शुरू कर दिया है स्पाई शिप्स को अपने कोस्टल एरिया में आने के लिए, जो कि फ्यूचर में भारत के लिए बड़ी दिक्कत बन सकती है। भारत यहाँ पर डिप्लोमेटिकली ही किसी चीज का समाधान निकालेगा ताकि श्रीलंका भी नाराज ना हो और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकाला जा सके। और तीसरा इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है श्रीलंका की तरफ से जिसने भारत को पूरी तरीके से हैरान कर दिया। कुछ दिनों पहले ही श्रीलंका ने ये डिसाइड किया कि ये पाकिस्तान से बड़े हथियार खरीदने वाले हैं, इसमें कुछ एडवांस ड्रोन खरीदे जाएंगे। वैसे तो श्रीलंका को पूरी आजादी है कि वो किसी भी देश से हथियार खरीद सकता है, लेकिन यहाँ पर श्रीलंका जो हथियार खरीदने वाला था ये असल में पाकिस्तान के थे ही नहीं, चाइना के ड्रोन्स जो कि पाकिस्तान के अंदर तैयार किए जाते हैं कुछ फैक्ट्रीज के अंदर, वो सीधे श्रीलंका इंपोर्ट कराने वाला था। और चाइना की टेक्नोलॉजी किस तरीके से श्रीलंका के साथ साथ भारत पर भी नजर रख सकती थी, इस बात का डर और अंदाजा भारत को पहले ही लग चुका था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि श्रीलंका और पाकिस्तान बहुत ज्यादा अगर क्लोज आ जाते हैं तो भविष्य में ये भी भारत के लिए एक नई चिंता बन सकती है। लेकिन श्रीलंका इस फैसले को आगे बढ़ा पाता उससे पहले भारत ने एक चेतावनी देते हुए श्रीलंका को समझा दिया कि अगर आप चाइना के ड्रोन या फिर पाकिस्तान से किसी भी तरीके का ड्रोन अपने देश में इंपोर्ट कराएंगे तो ये हम दोनों की क्षेत्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है, और हम दोनों के ही ऊपर आसानी से और बारीक नजर रखी जाएगी कि हम अपने देश में क्या काम कर रहे हैं, और इससे देश के अंदर अस्थिरता आ सकती है, सिक्योरिटी को लेकर के कई दिक्कतें आ सकती हैं। और भारत की इस बात को श्रीलंका की नई गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया, और चाइना से या फिर कहें चाइनीज ड्रोन जो कि पाकिस्तान से श्रीलंका खरीदने वाला था उस डील को पूरी तरीके से कैंसिल किया जा चुका है। अब बढ़ते हैं दूसरे पड़ोसी देश यानी कि मालदीव को। अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि जब मालदीव भारत के लिए अच्छा हो जाता है तब श्रीलंका नाराज, जब श्रीलंका अच्छा होता है तो मालदीव नाराज। जहां श्रीलंका भारत से थोड़ा सा दूर जाने की कोशिश कर रहा है वहीं मालदीव भारत के काफी ज्यादा क्लोज आ चुका है। साल 2024 की शुरुआत में भारत और मालदीव के रिलेशन काफी ज्यादा बिगड़ गए थे, लेकिन समय के साथ इनमें सुधार आया। मोइजू जो कि प्रो चाइना गवर्नमेंट को प्रमोट करते थे वो पहला दौरा चाइना करते हैं, चाइना के साथ बिलियंस ऑफ डॉलर की डील की जाती है, लेकिन समय के साथ इन्हें अंदाजा लग जाता है कि चाइना इन्हें कर्ज के जाल में दबा करके पूरे देश को बर्बाद कर देगा, और जब इन्हें खाने पीने की चीजों की जरूरत पड़ी तो ये चाइना से मांगते रहे लेकिन सप्लाई भारत ने की। और अभी कुछ दिनों पहले ही ये भारत दौरे पर आते हैं, भारत की तरफ से इन्हें $400 मिलियन से भी ज्यादा का लोन दिया गया ताकि अपने देश का रीडेवलपमेंट कर सकें। इसके अलावा मालदीव ने भी प्रॉमिस किया है कि जिस तरीके से उन्होंने भारतीय सेना को वहां से हटाया उन्हें फिर से लाया जाएगा, वो सभी हथियार तैनात किए जाएंगे, और जैसे भारत के रिलेशन पहले चल रहे थे मालदीव के साथ वो उसी तरीके से चलते रहेंगे। लेकिन मालदीव की तरफ से एक और बड़ा फैसला लिया गया है जिसने सबको हैरान करके रख दिया। असल में मालदीव ने ऑलरेडी टर्की से कुछ एडवांस ड्रोन खरीदे थे जो की
ना सिर्फ टर्की की मदद कर रहे थे बल्कि इससे मालदीव की मदद हो रही थी। वहीं टर्की भारत पर आसानी से नजर रख सकता था और टर्की एक ऐसा देश है जो कि हमेशा से ही एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स देता आया है। लेकिन रिसेंटली मालदीव ने चौथा एक ऐसा डिसीजन लिया है जिससे कहा जा सकता है कि मालदीव अब भारत को लेकर के काफी ज्यादा सॉफ्ट हो चुका है। असल में चाइना के द्वारा ऑपरेट की जाने वाली कंपनी जिसका नाम है CAMC, जिसका हम चाइना इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जानते हैं, ये मालदीव के अंदर पिछले साल आती है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए। लेकिन अब मालदीव ने ये डिसाइड किया है कि इस कंपनी को अपने देश से बाहर निकालने जा रहे हैं। किसी भी तरीके का ये प्रोजेक्ट चाइना के हाथ में नहीं दिया जाएगा बल्कि ये प्रोजेक्ट अब भारत के हाथ में दिया जा सकता है। इंटरनली तो मालदीव के अंदर बात शुरू हो चुकी है कि भारत के साथ इनके रिलेशन पहले से और ज्यादा बेटर हो चुके हैं, तो क्यों ना ये प्रोजेक्ट भारत को सौंपा जाए। ऑलरेडी भारत इन्हें बहुत सारी खाने पीने की चीजें, बहुत सारी एड सप्लाई करता है, तो ऐसे में जब ऑलरेडी रिलेशन अच्छे हैं तो अच्छे प्रोजेक्ट भारत के हाथ में दिए जाएं। भारत की मानसिकता ऐसी भी नहीं है कि वो दुनिया को कर्ज तले दबा सके और भारत सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ आगे बढ़ता है। और मालदीव की तरफ से लिए जाने वाला ये कदम न सिर्फ भारत को फायदा पहुंचाएगा बल्कि मालदीव की आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित करेगा। जहां मालदीव में बनने वाले इस ट्रांसशिपमेंट पोर्ट में भारत की कोई ना कोई पोर्ट कंपनी पार्टिसिपेट करते हुए इसको डेवलप करेगी और इससे मालदीव को फायदे होंगे। कई सारे शिप मालदीव आकर के रुकेंगे, रिफ्यूलिंग होगी, बहुत सारा गुड्स तीसरे देशों में सप्लाई किया जाएगा जिसका बेनिफिट सीधे सीधे मालदीव को मिलने वाला है। लेकिन चाइनीज कंपनी को यहां से बाहर करने के पीछे भारत रीजन बताया जा रहा है, क्योंकि जैसे ही राष्ट्रपति मोहम्मद मईजू भारत आते हैं, भारत में बड़े नेताओं से मुलाकात की जाती है, तभी ये फैसला लिया गया है। अब बात की जाए तीसरे देश की, तो उसका नाम है बांग्लादेश। आप जानते होंगे कि बांग्लादेश में जैसे ही शेख हसीना के द्वारा देश छोड़ा गया, बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, तब से वहां की स्थिति नॉर्मल होने का नाम नहीं ले रही। बांग्लादेश की नई सरकार ने ये तक फैसला ले लिया है कि अब मोस्ट ऑफ द पावर मिलिट्री के हाथ में सौंपी जाएगी ताकि कंट्रोल इजिली किया जा सके। लेकिन अभी तक मालदीव में जो अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा था, भारत इस पूरे इंसिडेंट पर चुप था। लेकिन रिसेंटली भारत ने बांग्लादेश को भी समझाना शुरू कर दिया है। असल में पीएम मोदी की तरफ से भेंट की गई एक मूर्ति जिसके ताज को वहां से चोरी कर लिया गया है, इस चीज को लेकर के भारत ने कड़ी निंदा की है बांग्लादेश की। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि भारत ने सख्त चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि जल्द से जल्द इस चीज को ढूंढा जाए, नहीं तो भारत चुप नहीं बैठेगा। लेकिन अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है भारत के अगेंस्ट जाने में। बांग्लादेश के अंदर कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि सीधे सीधे भारत के चिकन नेक को अपना कब्जा दिखाने की कोशिश करते आए हैं। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारत के चिकन नेक पर बांग्लादेश का झंडा लगाते हुए पाए गए हैं, ये बात भूल करके कि भारत ने ही इस देश को आजादी दिलाई। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कुछ समय पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में एक इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट किया जाता है ताकि पाकिस्तान से ये हथियार खरीद सकें, और कहा यह भी जाता है कि भारत को साइड करते हुए बांग्लादेश और पाकिस्तान अपने रिश्ते को फिर से सुधारने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ समय बाद बांग्लादेश भी न्यूट्रल होता हुआ नजर आया। बांग्लादेश न सिर्फ भारत पर स्टेटमेंट्स देने बंद कर दिए बल्कि ये तक कहा गया कि 1971 से पहले ईस्ट पाकिस्तान पर जो वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से किया गया है उसके लिए वेस्ट पाकिस्तान को माफी मांगनी चाहिए। उन सभी बड़े पॉलिटिकल लीडर से, उन सभी बड़े मिलिट्री हेड से माफी मांगने की बात कही, जिसके बाद पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला गया। लेकिन भविष्य में ये राजनीति किस डायरेक्शन में जाने वाली है, इस बात का कोई अंदाजा नहीं लग सकता। अगर आप इस पूरी वीडियो को देख चुके हैं तो आप पाएंगे कि ये सभी पड़ोसी देश कई ऐसे फैसले लेते हैं जो कि भारत के लिए अच्छे हैं, लेकिन कई ऐसे फैसले लेते हैं जो कि भारत के अगेंस्ट जाते हैं। लेकिन अगर आप शेख हसीना के बयान को सुनेंगे तो पाएंगे कि उन्होंने कहा था कि यहां पर अमेरिका की ताकत है जो कि उनको उनके सत्ता से हटाने की कोशिश कर रही है। सेम इसी तरीके से मालदीव में जाएंगे तो मालदीव में एंटी इंडियन नारे लगाए जाते हैं, लेकिन चाइना को फुल सपोर्ट किया जाता है। चाइना इन्हें काफी ज्यादा पैसे देने का प्रॉमिस करता है और सेम कंडीशन श्रीलंका के अंदर भी देखने को मिलती है, जहां पर इन्हें पैसे देने का प्रॉमिस किया जाता है चाइना की तरफ से। और आज भारत के एक और पड़ोस में जाएंगे म्यांमार, जहां पर गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। यानी कि चाइना, अमेरिका और कुछ और बाहरी ताकतें हैं जो कि इन देशों के अंदर काम करती हैं ताकि भारत के साथ इनके रिलेशन अच्छे ना रहें। वहीं अमेरिका जैसे देश भारत को आसानी से हथियार भी बेच पाए। बाकी पाकिस्तान और चीन तो हैं ही भारत के कट्टर दुश्मन। बाकी आपके हिसाब से वो कौन सी बाहरी ताकतें हैं जो कि भारत के पड़ोसियों को भारत के साथ नहीं रहने देती, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।